So guys, welcome to Paribo Vlogs, and today we are going to discover how amazing the Leela Palace, Chanakyapuri, Delhi is. So guys, after coming and entering to the palace, you can see that itne bade bade doors aur itna sundar sa interior hai. And the best part is guys, ye purana hotel ke bhi bahut acha maintained hai. So let's see log kya khade hai hamara welcome karne ke liye. And it feels so nice and royal, you know, like aarti leke they are just going to, you know, wish you for the good health and good luck. So let's see what's inside. तो अंदर जाते ही गाइस आप देखोगे कि इनका हॉस्पिटैलिटी तो आप आगे पूरे वीडियो में आपको पता ही चलेगा कि कैसा हमारा स्टे रहता है. सो गाइस अभी अमित सारी फॉर्मेलिटीज करने वाला है जो चेक इन प्रोसीजर्स में यूजुअली करनी पड़ती है. आप देख सकते हो इनका सीलिंग, इनकी लाइटिंग्स, एक एम्बियंस, एक ऑरा, एक वाइब. मैं मतलब क्या बोलूँ, मेरी मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि ये कितना ब्यूटीफुल होटल है. आप बाहर भी देखोगे आउटडोर सिटिंग में इतना प्यारा इन्होंने गार्डन मेंटेन करके रखा है. इट एक्चुअली गिव्स यू अ फीलिंग लाइक यू आर इन अ पैलेस. सो अभी तक तो हमें इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है. अभी हम हमारा रूम भी देखने वाले हैं थोड़ी देर में. एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो एंड सी द एंटायर प्रॉपर्टी एंड ऑफ कोर्स द होटल. सो गाइज ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये होटल के इन एंड अराउंड थोड़ा बहुत एरिया, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें हैं. आप देख सकते हो कि ये जो शैंडलियर्स है ना, मतलब पता नहीं कहाँ से लाए इन्होंने. इट्स गिविंग इट एक्चुअल पैलेस वाला वाइब. गाइस जगह जगह पे तो इन्होंने रियल फ्लावर्स के इतने प्यारे डेकोरेशंस किए हैं. एंड एवरी न्यू डे दे विल बी न्यू फ्लावर्स, न्यू कलर, न्यू डेकोरेशन. सो ओवरऑल आपको यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है. और जिस तरीके से इन्होंने एक राजा महाराजा वाला एम्बियंस बना रखा है, यू नो, ऐसा लग रहा है चांदी का पूरा सेटअप है, साइड टेबल है, लाइक अमेजिंग गाइस. गाइस चेक इन प्रोसीजर तो बहुत ही ज़्यादा क्विक हो गया था, लेकिन हम लंच टाइम पर आए थे तो those people told us कि आप पहले लंच कर लो और फिर हम आपको अपना रूम दिखाएंगे, which was very nice of them. So अभी हम जा रहे हैं हमारा लंच करने के लिए and let's see how the place looks like. So let's go. So guys, this is the area where they are gonna serve us the lunch. And मैंने सुना है इनका बुफे बहुत अच्छा होता है. So आज हम देखेंगे कि इनका बुफे actually अच्छा है या इनका बुफे hyped up है, और हम आपको बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पे तीन दिन, जो भी तीन दिन हम रहने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ईट लंच और डिनर हियर. वी कैन चूज़ फ्रॉम द लंच और डिनर. हमने ऐसा पैकेज लिया है जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट एंड वन मील मिलेगा. सो आई विल शो यू द बुफे. सो एज यू कैन सी, सबसे पहले आते ही मुझे यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड्स दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स एंड डेजर्ट्स ऑफकोर्स. तो डोनट्स भी दिख रहे हैं मेरे को वहाँ पे एंड डेजर्ट्स ब्रेड्स. यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ चिकन नूडल सूप. लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक. वाओ बहुत हॉट है. एंड हियर आई थिंक इट्स अ वेज टमेटो शोरबा विच इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस एंड इट लुक्स वेरी ह्यूज. सो एक एक कवर करते हैं. तो आप चिकन राइस है यहाँ पे ऑफकोर्स. तो काफ़ी सारे आइटम्स दिखे हैं, चिकन मंचूरियन, चिली चिकन, जो आप ऑर्डर करवा सकते हो अपने हिसाब से. नूडल्स एज यू कैन सी हियर एंड दिस वन इज आई थिंक सम सॉर्टेड वेजिटेबल्स. सॉर्टेड वेजिटेबल्स या. And best part is you can ask them to make anything you want. They are just gonna make it for you. All right. So aisi cheez nahi hoti hai guys usually. This is some vegetables and white sauce, I guess. Thai green curry. This is stir fried chicken in hot garlic sauce. This is wok fried fish in some sauce. I think it is amazing. It looks good. Ye mera favorite tha, wok tossed cumin lamb. Ye maine bahut sara khaya hai first day. And this one is the crispy vegetable crisps. And this one is again fish. This is chicken. This one is chicken. Iske baju wala fish hai.
एंड यू कैन सी ना, मतलब इतने सारे आइटम्स है गाइज कि आप थक जाओगे खा के. एंड दे ऑल्सो मेक पिज्जाज फॉर यू, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम पिज्जाज वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दे विल मेक इट फॉर यू. दिस वन वॉज अ वेज डिश, आई डोंट नो, दिस लुक्स वेरी क्रिएटिव, सो वेरी नाइस दिस वन इज. देन अगेन यू विल हैव the you know, different kind of vegetarian dishes were also there, you can see. And choices of pasta, spaghetti, penne, आपको जो भी बनवाना है आप बनवा सकते हो. आप जो भी आपको खाना है मैंने यहाँ पे देखा है वो बना देते हैं. लखनवी जो इनका बुफे है इसमें मटन करी, दाल तड़का, बटर चिकन, ये भी आप उनको बोल सकते हो कि बनवा दो. सो यू कैन सी यहाँ पे चिकन का ग्रेवी इन्होंने रखा हुआ है. देन दे हैव केप्ट पनीर लबाबदार विच वॉज अमेजिंग, अमित मुझे बोल रहा था कि बहुत ही यम था. देन दिस वन इज़ अगेन वेजिटेरियन काजू करी. आप देख सकते हो ना, मतलब पूरा ऐसे हॉट स्टीमिंग हॉट खाना है एंड इतना टेस्टी लग रहा है. दिस इज़ अ ग्रीन सब्जी, पूरा ग्रीन सब्जी मिला के इन्होंने एक सब्जी बनाई हुई है जो बहुत ही यम लग रही है. और यहाँ पे इनका एक वेजिटेरियन पुलाव है, ज़ाफरानी वेजिटेरियन पुलाव. एंड हियर देर इज़ सम दाल, आई गेस दिस इज़ अ शाही दाल. So dal, some shahi dal it was. And this section जो मैंने buffets में, hotel वाले buffets में usually नहीं होता है, वो पूरा टिक्के वाला section है. So यहाँ पे you can see paneer tikka is there. Then यहाँ पे tandoori aloo is there. And मतलब क्या चाहिए आपको guys, इतना बड़ा इतना सुंदर menu है इनका. इसके बाद इनको मुर्ग टिक्का है इनके पास जो बहुत ही ज़्यादा tasty था. And another is दोनों टाइप की मुर्ग टिक्का है. दैट वन वॉज ग्रीन एंड दिस वन इज़ मतलब फ्लेवर के हिसाब से इन्होंने बनाया है. यहाँ पे रायता, चटनी, सारी चीज़ें, सैलड वगैरह सब कुछ अरेंज करके इन्होंने अच्छे से रखा हुआ है. सो आई मस्ट से इट्स अ पैराडाइज फॉर फूड लवर्स. एंड मैं आपको बता नहीं सकती. दूसरा जो सेक्शन था उधर आप पिज्ज़ाज बनवा सकते हो. दिस इज़ देयर बेसिकली डिज़र्ट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ सेक्शन. बट यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे चीज़, different type of cheese, so watermelon and some cheese, you can see it is, they have made a very nice dish out of it. And there are different kinds of salads also, matlab jis tarike se aap dekh sakte ho inhone salads ko bhi alag alag tarike se bana ke, they are just, you know, carrot mushroom salad, different salads they are putting and making it look very creative and very yum. Actually main kabhi salads zyada khati nahi hu, but yahan pe main roz salads khati thi. एंड दूसरा सेक्शन देखते हैं जो अमित और मेरा फेवरेट है, वो डिज़र्ट है. तो आप देख सकते हो कि आइसक्रीम्स भी हैं इनके पास, बेक्ड योगर्ट है. उस दिन इनके पास कलाकंद था. इंडियन में भी इनके पास काफ़ी होता है, गुलाब जामुन, पेस्ट्रीज, मूस, मतलब इट्स अ पैराडाइज गाइज, पैराडाइज फॉर अगेन डेजर्ट लवर, फूड लवर, जो भी आप बोलना चाहो. सो दे हैड चीज केक्स, दे हैड लॉट ऑफ फ्रूट्स, दे हैड लॉट्स ऑफ यू नो स्विस रोल्स and lot of things going on here, fruit salad and brownie also unke paas thi ek do din to. So you can just ask them ki I want this and it will be there. Aisi koi bhi item nahi hai jo inke paas nahi hoga. So guys, itna confusion tha, but phir bhi I took noodles, lamb, chicken aur dessert fish, kafi cheeze maine try ki. And I must say that sabse बेस्ट मुझे ये लगा चीज़ विथ वाटरमेलन, ये बहुत ही अच्छा सैलड था. एंड द फूड इज़ अमेजिंग गाइज. इनका लिफ्ट वाला एरिया देखो आप, कितना सुंदर, कितना ड्रीमी और कितना प्यारा है. सो गाइज अभी हम लिफ्ट में हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू चेक आउट आर रूम. आर यू गाइज एक्साइटेड टू चेक आउट आर रूम? हाँ. सो गाइज लेट्स गो. सो गाइज दिस रूम इज द प्रीमियम लग्जरी रूम. सो आई एम गोना शो यू डिफरेंट कैटेगरीज है. सो दिस वन इज़ अमॉन्ग्स द बेस्ट रूम्स दे हैव. स्वीट्स अलग से है, अगर आपको बड़े चाहिए तो आप स्वीट्स भी ले सकते हो. सो लेट्स गो इनसाइड. वाओ, इट्स नॉट माय बर्थडे टुडे दो. आई डोंट नो व्हाट इज दिस फॉर. एज यू कैन सी द रूम इज सो नाइस. ओह माय गॉड, ब्यूटिफुल.
luxury. You can see they have put a lot of balloons here. Happy birthday! Oh God, you told today? I told on 11. Okay, so today is not my birthday, but still they thought it's my birthday today, so they have done some arrangements, as you can see. Happy birthday! That is sweet that they did this. ये भी लिया है इन्होंने और इसमें आपने देखा है ये कॉफ़ी मशीन है इनका. दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू सिट एंड वर्क. अमित यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम आराम से कर सकता है. हाँ अमित, आई एम ऑन वेकेशन डूड. मास्क निकालो यार, व्हाट आर वी डूइंग विद आवर मास्क नाउ. चार घंटे एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरा व्यू. मुझे मेरा ना व्यू ऐसे परफेक्ट चाहिए होता है. पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ आपको. यहाँ पे एक छोटा सा सोफा है जो बहुत अच्छा है. इनका ना बेड बहुत अच्छा, मतलब वो रॉयल इंटीरियर के हिसाब से है. आई थिंक द एंशिएंट रॉयल इंटीरियर काइंड ऑफ थिंग. अरे वॉशरूम नहीं देखा हमने, पहले वॉशरूम देखते हैं फिर हम व्यू देखेंगे. अब देख सकते हो ना गाइस, यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे इनका क्लोजेट है और ये इनका एक मिरर एरिया है. ओ गॉड लवली, व्हाट इज दिस. अभी इसका लाइट पहले लगाते हैं हम. यू नो गाइज, हम मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट हम हैदराबाद में अभी फिलहाल रहते हैं. तो हैदराबाद में ना मतलब क्रेजी प्रॉपर्टीज आ दे, बट जो हॉस्पिटैलिटी मैंने यहाँ देखा है ना, अमित तुमने देखा है कहीं पे? सी दिस टब, सच एन अमेजिंग टब. और इतना क्लीन है ना गाइज, मतलब कोरोना के टाइम पे इतना क्लीन और इतना अच्छी तरीके से अगर आपको कुछ मिल रहा हो, दैट इज टू मच. क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ने इतना परेशान कर रखा था ना, मतलब अपनी दे वर यूजिंग कोरोना एज एक्सक्यूज. तुम भी कुछ बोलो यार. यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे टीवी दे रखा है एंड रिमोट है. तुम बाथ टब दे रहने के बाद यू कैन जस्ट सी दिस थिंग. टू मैरियट ऑन माय बर्थडे एंड या एंड द एक्सपीरियंस, वी हैव दैट वीडियो गाइस. इफ यू वांट टू सी व्हाट हैपेंड इन मैरियट, आई एम गोना पुट द लिंक बिलो. एंड दिस होटल इज अमेजिंग. एक्चुअली वी कीप ऑन ट्रैवलिंग अ लॉट. करें वी स्टेप्ड ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर कोरोना. हां, आफ्टर कोरोना गोवा गए थे हम, फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड टाइम है, सेकंड वेव के बाद. या सेकंड वेव के बाद वी नेवर ट्रैवल्ड. तो ये है, वैसे तो हमारे घर में जकूजी है तो हमें टब का इतना क्रेज नहीं है, बट बाहर किसी प्रॉपर्टी में आए हो और टब वाला रूम नहीं लिया तो मजा ही नहीं आता. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ताकि हम दोनों लड़ाई ना करें कौन पहले ब्रश करेगा, इसीलिए दो सिंक्स है. हमेशा तू ही तो करती है. और एक चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है, इनका ना मतलब सेपरेट सेक्शन है दोनों चीजों के लिए. शावर, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द बाथटब. दिस इज द शावर सेक्शन. बहुत बार ये होता है ना गाइस की टब इधर है और कमोड इधर लगा देते हैं, तो वो मेरे को इतना अजीब लगता है ना, लाइक उसके बीच में थोड़ा तो डिस्टेंस होना चाहिए ना. इट लुक्स वेरी बैड एंड इट फील्स वेरी बैड. सो नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज लग्जरी. ओके, यहाँ पे भी इन्होंने क्लोजेट दे रखा है, तो बहुत स्पेशियस रूम है गाइस. दे हैव गिवन टॉर्च, दे हैव गिवन दिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फॉर. आपको पता होगा तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ. ये इन्होंने शू पॉलिश के लिए दिया है, नीचे इन्होंने यूज करने के लिए स्लिपर्स दिया हुआ है, योगा मैट भी है. सो बहुत मजे आने वाले हैं गाइस यहाँ पे. इनका लॉकर है, लॉन्ड्री बैग, ड्राई क्लीनिंग, प्रेसिंग. इनके रेट्स भी है अगर आपको चाहिए, अगर आप लॉन्ग आ रहे हो तो. सो ऑन एंड सो फोर्थ. वाओ, एंड वाटर पंप. और बस यहाँ पे इनका टेलीविजन बॉक्स है. इनका बार का कहाँ है, बार काउंटर जो भी होगा. इनका बार सेक्शन है, यहाँ पे एक ही लेकर वाला सीन है, बट आई थिंक इट्स फाइन. हमारा वो बैग आने वाला था, वो आ गया. अभी हम देखते हैं हमारा व्यू. वैसे तो बेड का फील बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा बेड है ये, आई लव इट. आप देख रहे हो इवन द सेंट्रल एसी पार्ट इज डेकोरेटेड, मतलब इससे ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे यार. तो लेट्स सी व्हाट इज द व्यू. अरे वाह, वी आर गेटिंग अ मेन रोड का पहल पहल वाला व्यू.
sent it to the entrance. Oh, an entrance is right here in front of us, so we can keep an eye. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है types ना, auntie types. वो auntie होती ना, इसके घर में कौन आ रहा है, उसके घर में कौन जा रहा है. So we can see greenery, we can see few buildings, few hotels, and of course the entrance. So lovely hotel, lovely hospitality, guys. Lovely. मतलब मेरे पास ना words नहीं है. मैं हम लोग यहाँ पे आके बहुत कम टाइम हुआ है, अभी वन एंड हाफ आवर हुआ है. बट आई विल जस्ट टेल यू गाइज, दिस इज़ अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज दैट यू कैन बी इन. तो हम अभी गोवा जाएंगे तो शायद लीलाज में ही जाएंगे, बिकॉज अगर लीला का हर जगह ऐसा है सीन तो फिर बनता है जाना. और ये केक बर्थडे नहीं होने के बावजूद भी मुझे काटना पड़ेगा. 11th की बजाय आज कर दिया इन्होंने मेरा बर्थडे. सो Stay tuned, guys. If you like the channel, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे चैनल में हम आगे कवर अप करेंगे. बहुत सारे होटल्स होंगे, लग्जरी होटल्स ऑल अराउंड इन इंडिया, अब्रॉड, एवरीवेयर. सो स्टे ट्यून्ड, guys.